हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। ये देखिए, जितनी भी ज़मीन है ये सब यहाँ पर कोयला रखा है, जो कि यहाँ पर करीब 20-30 साल से बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, दौड़ते हैं। और यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन चालू होगा कोयले का ट्रांसपोर्ट, जो कि ये होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कम से कम पार्क बनना चाहिए, क्योंकि ये 52 बीघा है, 52 बीघा। अब देखिए, यहाँ पे होगा बच्चों को यहीं से दौड़कर इसे फील्ड पर, यहीं से कई आईपीएस, हवलदार, सिपाही और अन्य अधिकारी बने हैं। तो आप लोग की क्या राय है, यहाँ पर बनना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट करिए, ना तो भी कमेंट करिए। अगर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज यहाँ पे ये फील्ड है और कल आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का। अब वो क्यों हो रहा है, अब यहाँ के लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये प्राइवेट सेक्टर की है। यहाँ पे पहले कंपनी थी, देखिए वो सामने है, एक मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने जो है ये कंपनी है, ये बहुत पहले थी, करीब 20-25 साल। तो वो कंपनी भी धीरे धीरे बंद हो गई, लोगों का यह ज़मीन फंसा कर, उन्हें आधा दाम देकर, या उनसे कहा गया कि ये ज़मीन अगर आप देंगे तो आपको कंपनी में काम मिलेगा। अब ये क्या है, सच या झूठ, देखते हैं। ये है हमारे यूपी के चंदौली ज़िले में साहूपुरी, ये जो है ये साहूपुरी है, 52 बीघा। और यहाँ से नज़दीक हमारा दीनदयाल उपाध्याय नगर करीब 5 किलोमीटर स्टेशन है, और एक छोटा सा स्टेशन है ब्यास नगर रेलवे स्टेशन। तो देखिए, सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू होना चाहिए नहीं, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।